हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करते हैं किसी भी पीडीएफ फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या फिर कोई भी पीडीएफ फाइल में लॉक लगा हुआ है तो कैसे आप उस लॉक को अनलॉक कर सकते हैं या फिर परमानेंटली उसका जो है पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक आप बहुत ऐसे पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हो जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं ऑलरेडी, और बार बार जब भी आप ओपन करते हो उस पासवर्ड को आपको एंटर करना होता तभी जाके आपका जो पीडीएफ फाइल ओपन हो पाती है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, और उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, पीडीएफ फाइल्स होते हैं जिसपे लॉक लगी होती है कंपनी के थ्रू या फिर जो भी वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो उसमें जो भी पासवर्ड आपको पता ही होगा पहले से। अगर पासवर्ड पता है तो आपको बस एक बार पासवर्ड एंटर करने की जरूरत है, उसके बाद आपका जो पीडीएफ फाइल है परमानेंटली यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। पीडीएफ फाइल में ही जाएगा बट यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो रिमूव हो जाएगा इजिली से। आप कोई भी यहाँ पे कभी एनी टाइम आप विदाउट पासवर्ड उस फाइल को ओपन कर सकेंगे। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, आप कैसे अनलॉक करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल को जिससे आपका पासवर्ड बार बार न यहाँ पे मांगे, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला। सबसे पहले मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जो कि है ई पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड को डाउनलोड किया गया है इंटरनेट के थ्रू। तो इस पैन कार्ड पे भी यहाँ पे पासवर्ड है। जैसे कि पैन कार्ड पासवर्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है वही पैन कार्ड पासवर्ड होती है। जैसे कि अगर आप ई पैन कार्ड डाउनलोड करते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका जो है पीडीएफ प्रोटेक्टर यानी आपका पासवर्ड होती है। तो आपका जो पासवर्ड है कुछ इस तरीके से टाइपिंग होता है, जैसे मान लीजिए आपका उम्र है 1 जनवरी 1998, तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है 01 01 1901 या 2001, जो भी सन हो ऐसे डाल देना। आपको कोई भी बीच में स्पेस नहीं देना है, कोई भी एक्स्ट्रा करेक्टर नहीं लगाना है। तो आपको सिंपली 01 01 2001 डाल देना है, ऐसे जो भी डेट ऑफ बर्थ हो ऐसे डाल देना है सिंपली नॉर्मली में, तो आपका जो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। तो सिंपली इसी प्रकार मेरे पास एक ई पैन कार्ड है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसको मैं ओपन किया, पीडीएफ फाइल आप देख सकते हो ओपन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एंटर पासवर्ड मांग रहा है, यानी हमको यहाँ पे पासवर्ड डालने की जरूरत है। चलिए हम यहाँ पे फटाफट यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। सिंपली हमारा जो पैन कार्ड का पासवर्ड है 01 01 1986 है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 01 01 1986। सिंपली उसके बाद ओके कर देना। ओके करते ही आपका जो पीडीएफ फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और सिंपली आप यहाँ पे इजिली से अपने पैन कार्ड को देख सकते हैं या फिर जो आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड को देख सकते हैं, फिर बैंक स्टेटमेंट है उसको भी देख सकते हैं। कोई भी पीडीएफ फाइल हो सबको सेम यही प्रक्रिया है आपको ओपन करने की। आपका जो भी पीडीएफ प्रोटेक्टर हो, जो भी पासवर्ड हो उसको डालना है, आपका पासवर्ड सिंपली ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको किस प्रकार अनलॉक करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम बस आपको पासवर्ड अपने जो भी पासवर्ड उसको पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपको डालना ही पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो है ओपन हो चुका है एकदम इजीली से। उसके बाद दोस्तों इस पीडीएफ फाइल को कैसे आप परमानेंटली यहाँ पे जो पासवर्ड लगा उसको रिमूव कर सकते हैं जिससे आपका नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करे उसको पासवर्ड को न डालना पड़े। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे पीडीएफ फाइल तो ओपन हो चुकी है, सिंपली प्रिंट के ऑप्शन जाना है। जैसे यहाँ पे आपको इसको प्रिंट पे ले जाना है, और इसके बाद आपके सिस्टम में पहले से ही पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंट या फिर कोई भी अदर पीडीएफ प्रिंट का होना चाहिए एप्लीकेशन डाउनलोड, ठीक है। तो ऑलरेडी इनबिल्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ यानी प्रिंट, इसको पीडीएफ में करना है आपको। इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसका साइज तैयारी आप पहले से प्रिंट होगा, लेकिन फिर मैं चेक कर लेता हूँ A4 साइज हमको सिलेक्ट करना जो कि पहले से है A4 साइज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके कर देना है आपको साइज सिलेक्ट होने के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देना है जिससे ये आपको परमानेंटली यहाँ पे सेव हो जाएगा पीडीएफ फाइल में विदाउट पासवर्ड। तो यहाँ पे फाइल नेम पूछा है, कोई भी हमको नाम दे देना है, जैसे हम यहाँ पे ई पैन लिख देते हैं सिंपली अपने अनुसार, आप कुछ भी फाइल नेम दे सकते हो अपने हिसाब से। तो इस लोकेशन हमको दे देना है कहाँ पे सेव होता है, हमको डेस्कटॉप में नहीं, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेना है, आप जहाँ इच्छा वहाँ कर सकते हो। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग ई पैन नहीं, अभी पीडीएफ फाइल में सेव हो रहा है जो कि प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हमने इसको लोकेशन दिया था डेस्कटॉप का, तो डेस्कटॉप पे गया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ई पैन नाम से आ गया। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे सिंपली इसको पहले क्लोज कर देता हूँ पहला वाला पेज। उसको जो ई पैन वाला मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कराया यानी प्रिंट किया है, सेव किया है पीडीएफ फाइल में, इसको चलिए ओपन करते हैं, देखा जाए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है कि नहीं। सैंपल इसको मैं ओपन कर दिया हूँ, और देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो चुका है विदाउट पासवर्ड। इसी तरीके से कोई भी पीडीएफ फाइल हो आपके पास, जो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, बस एक बार फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड डालनी है, उसके बाद परमानेंटली ये यहाँ पे इस तरीके से सेव कर लेना है जैसे मैंने बताया है माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ या फिर कोई भी अदर पीडीएफ क्रिएट वाला अगर सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में लैपटॉप में इंस्टॉल है उससे भी आप कर सकते हो। एक प्रक्रिया आप मोबाइल से भी कर सकते हो, सिंपली जैसे मोबाइल में करेंगे तो आपको उस पीडीएफ फाइल को ओपन करनी होगी। ओपन करने के बाद सिंपली आपको प्रिंट करना है, प्रिंट में आपको सेव एज जैसे पीडीएफ करना है, और जैसे सेव करोगे फाइल नेम दे के कहीं भी लोकेशन पे सेट कर देना है। जैसे करोगे आपको जो परमानेंटली यहाँ पे जो पासवर्ड रिमूव हो जाएगा, आपका फाइल भी सेव हो जाएगा, और एनी टाइम उसको विदाउट पासवर्ड आपको ओपन करके उसे आप यूज कर सकते हो, फिर कोई भी बंदा उसको ओपन
लॉगिन कर सकता है विदाउट पासवर्ड। बस यही प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से कोई भी अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे नए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही मेरे चैनल पर नए टिप्स और ट्रिक मिलते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।